दिन से। सो हे व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन चैनल डैट की आर एक पीपी की आपको प्रॉपर गाइड चाहिए। लाइक मैनी पीपल आर कमेंटिंग ऑन माई रिसेंट वीडियोज़ की आर एक प्रॉपर पीपी की गाइड बना दो। सो आज उसके बारे में ही होने वाली है गाइज वीडियो। मैं आपको सारा जो है पीपी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लाइक मुझे 3 ईयर्स अराउंड होने वाले हैं इस गेम को खेलते खेलते, एंड जितना भी यार मुझे पीपी के बारे में पता, जितना भी जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मैचेस के दौरान, मैं आपको सब जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड एज यू ऑलवेज नो दैट गोडली लीग होती है इसमें एक, एंड वहाँ पे पहुँचने के लिए यार आपके पास पीपी की स्किल्स होनी चाहिए। लाइक टीम में यार मैटर करती है, टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट यार आपके पास अगर स्किल्स नहीं होंगी पीपी की तो यार आपके पास जितनी भी अच्छी टीम हो आप हार जाओगे पीपी के मैचेस में। तो स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज उसकी में यार मैं फोकस करूँगा, तो यार आपकी जो है मतलब पीपी की स्किल्स वगैरह जो है थोड़ी इंप्रूव हो जाए। सो जितना भी यार मुझे पता है पीपी के बारे में आज मैं इस पूरी एक वन शॉट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड जितनी भी चीज़ें गाइज मैं आपको इस गाइड में बताऊंगा, आपको यार उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। लाइक ठीक है, ये मत सोचना है कि गाइड देखने के बाद एकदम से हम प्रो बन जाएंगे पीपी में। आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट खुद से करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी यार आप एक चीज़ में मास्टरी अचीव कर पाओगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम गाइज लेट्स स्टार्ट दिस गाइड। सो ऑन टू दी फर्स्ट वन गाइज, एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड स्टेप। सो यार गाइज आपको हर एक कार्ड यूज़ करने के बाद साइड स्टेप परफॉर्म करना है, ताकि यार आपकी की रिकवरी जो है हो पाए, एंड आपके जो है कार्ड्स आप जो है कॉम्बो जो है एक्सटेंड कर पाओ अपने कार्ड्स का। सो मैनी पीपल यार मैं देखता हूँ जब गेम स्टार्ट करते हैं तो अपने सारे कार्ड एकदम से यूज़ कर देते हैं। सो गाइज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आपको हर कार्ड यूज़ करने के बाद, हर एक सिंगल कार्ड पर्टिकुलर यूज़ करने के बाद आपको साइड स्टेप परफॉर्म करना है। आप देख सकते हो गाइज जैसे हम साइड स्टेप परफॉर्म करते हैं हमारी जो है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ की रिकवरी होती है, जिससे यार हमारे कार्ड रो एक दो कार्ड हमें और एक्स्ट्रा मिल पाते हैं, एंड हम जो है अपना कॉम्बो एक्सटेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो यार हमेशा हमें जो है साइड स्टेप परफॉर्म करना है। सो सिंपल होता है साइड स्टेप परफॉर्म करना, आपको जस्ट सिंपल अपोनेंट के सामने जाना है, एंड देन यार आप लेफ्ट या राइट कहीं पे भी स्वाइप कर सकते हो, देन आपको जो अपना सिंपल कार्ड यूज़ कर देना है। सो अपोनेंट के सामने जाना है, लेफ्ट या राइट जहाँ मर्जी आप जो है स्वाइप कर सकते हो, देन आपको कार्ड यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइस साइड स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो सेकंड वन इज़ गाइस चार्ज स्टेप। ये भी साइड स्टेप जैसा होता है, बट इसमें यार आपकी जो है आप ज़्यादा की रिकवर कर पाते हो, ज़्यादा अच्छे से कॉम्बो एक्सटेंड कर पाते हो। सो ये बेसिकली एडवांस वर्जन होता है साइड स्टेप का, ठीक है। सो करना क्या होता है, आपको सामने जाना होता है, थोड़ा सा चार्ज स्टेप करना होता है, देन जो है आपको अपना नेक्स्ट कार्ड यूज़ करना होता है। सो अपोनेंट के सामने जाना है, थोड़ा सा चार्ज करना है, देन आपको जो अपना कार्ड यूज़ करना है। बट इसमें यार आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें मास्टरी जो है अचीव कर पाओगे। लाइक स्टोरी मोड वगैरह खेलते होगे तो उसमें जो है आप सीपीयू के सामने खेलते हो ना, तो उस पर इसकी प्रैक्टिस करा करो। मतलब यार अगर आप इसमें से हल्का सा भी चार स्टेप ज़्यादा कर दोगे ना तो अपोनेंट ईजिली वैनिश कर जाएगा, एंड अब फिर आप पे एडवांटेज ले लेगा। सो ये थोड़ा इसका रिस्क रहता है, इसको आपको भाई प्रॉपर मास्टरी करनी चाहिए तभी आप इसको यूज़ करना, वरना आप साइड स्टेप यूज़ करना, बट ये एडवांटेज ज़्यादा देगा साइड स्टेप से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट चार्ज स्टेप, मेक श्योर टू प्रैक्टिस इन फ्रेंडली पीवीपी मैचेस एंड देन यूज इट इन प्रॉपर पीवीपी मैच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट अप गाइज की कैंसलिंग। सो की कैंसलिंग गाइज ऑल्सो अनदर गुड मूव दैट आई यूज़ इन हायर रैंक पीवीपी मैचेस। सो इसमें करना क्या होता है गाइज, सबसे पहले तो आपको यार लॉन्ग रेंज में आ रहना होता है, बिकॉज यार आप शॉर्ट रेंज में की कैंसलिंग नहीं परफॉर्म कर सकते। सो लॉन्ग रेंज में आने के बाद गाइज आपको येलो कार्ड यूज़ करना होता है, एंड येलो कार्ड प्रेस करने के बाद इंस्टेंटली यार आपको एक दो बार फॉरवर्ड स्वाइप कर देना होता है, एंड इसके बाद यार गाइज आप अपोनेंट के एकदम क्लोज रेंज में आ जाओगे। फिर देन गाइज आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो यार आप वैनिश कर जाओ एंड अपोनेंट को देन प्रायोरिटी ले लो वैनिश करने के बाद, बिकॉज जो अपोनेंट का जो होता है ना गाइज वैनिश गोज ऑलरेडी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। या तो यार आपके पास दो चॉइसेस और होती हैं, या तो आप स्ट्राइक कार्ड यूज़ कर लो या फिर ब्लू कार्ड यूज़ कर लो। अगर ब्लू कार्ड तभी यूज़ करना अगर आपके पास ब्लास्ट आर्मर वाला करेक्टर है तो। सो ये दो चीज़ मतलब जो है आप तीनों चीज़ें कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा मूव है गाइज, एंड यार गाइज की कैंसलिंग से जो है आप राइजिंग रश भी कैंसिल आउट कर सकते हो अगर आप लॉन्ग रेंज में हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग रेंज में हो एंड किसी ने जो है आपने ब्लू येलो कार्ड यूज़ किया एंड उसने इंस्टेंटली जो है राइजिंग रश का अपोनेंट ने बटन दबा दिया, एंड अगर आप स्वाइप अप करके सीधा जो है वैनिश करोगे देन उसकी जो है राइजिंग रश भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मूव है गाइज, आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस करना एंड आप ईजिली जो है इस पर मास्टरी अचीव कर लो। सो नेक्स्ट अप गाइज ड्रॉप कॉम्बो। सो ड्रॉप कॉम्बो गाइज काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट मूव है इस करंट मेटा में। सो ड्रॉप कॉम्बो में गाइज आपको करना क्या होता है, सो गाइज फॉर एग्जांपल आप अपने कार्ड यूज़ कर रहे हो
एंड अपना कॉम्बो चला रहे हो। बेसिकली यार आप अपोनेंट को पेल रहे हो अच्छे से, ठीक है। सो अपोनेंट आपके कॉम्बो को ब्रेक करने के लिए एक ऐसे करेक्टर पर स्विच करेगा जिसके पास स्पेशल कवर चेंज है। एंड स्पेशल कवर चेंज आपको पता ही होगा गाइस, ऐसे करेक्टर जो बैटल में आते ही आपके रेड या येलो कार्ड को स्टॉप कर देगा, ठीक है, थ्रू स्पेशल कवर चेंज एबिलिटी। सो इससे ही बचने के लिए गाइस हम ड्रॉप कॉम्बो यूज़ करते हैं। सो करना क्या होता है गाइस, आपको अपने कॉम्बो यूज़ करते टाइम जिस टाइम भी आपको लगे कि अपोनेंट अब अपने करेक्टर पर स्विच करने वाला है, अपने स्पेशल कवर चेंज करेक्टर पर स्विच करने वाला है, आपको उस टाइम एक या दो सेकंड के लिए अपना कॉम्बो को स्टॉप कर देना है। एंड जैसे ही वो अपोनेंट स्विच कर ले आपको फिर से अपना कॉम्बो स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। सो यही एक वे है गाइस आप अपोनेंट के स्पेशल कवर चेंज से बचने के लिए एंड आप जो है बच सकते हो, इससे हम जो है ड्रॉप कॉम्बो यूज़ करते हैं। एंड इसमें आपको प्रेडिक्ट सही करना होता है गाइस अपोनेंट के करेक्टर की, मतलब अपोनेंट कब जो है स्विच करेगा। अगर आपने गलत प्रेडिक्ट कर लिया तो अपोनेंट एडवांटेज लेके आपकी जो है रेल बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब एकदम ख्याल रखना, एकदम सही प्रेडिक्ट करना कब वो जो है चेंज करने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइस ड्रॉप कॉम्बो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट अप गाइस डबल वैनिश। डबल वैनिश मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ पीवीपी के मैचेस में। सो इसमें क्या करना होता है गाइस, फॉर एग्जांपल आपके अपोनेंट ने रेड या येलो कार्ड आप पे यूज़ किया, सो आप वैनिश कर जाते हो एंड वैनिश करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता आपको, या फिर उसको अपोनेंट को साइड स्टेप पे पकड़ना होता है, या तो यार आपको रेड या येलो कार्ड में से कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है। सो इस सिचुएशन के लिए गाइस डबल वैनिश बना है। तो इसमें करना क्या होता है गाइस, आपको जैसे ही आपके अपोनेंट ने रेड या येलो कार्ड आप पे यूज़ किया आपको वैनिश करना है, एंड जैसे ही वैनिश कर लोगे आपको इंस्टेंटली दूसरे करेक्टर पे स्विच करना है, एंड देन दूसरे करेक्टर पे आप जैसे ही स्विच करोगे उसका वैनिश गोज ऑलरेडी रिकवर हो जाता है जब आप जैसे दूसरे करेक्टर पे स्विच करते हो। एंड जैसे ही आप दूसरे करेक्टर पे स्विच करोगे गाइज आपको उस वाले करेक्टर से दोबारा वैनिश कर देना है। सो इट्स कॉल्ड डबल वैनिश, एंड फिर आप जो है अपोनेंट पे प्रायोरिटी जो है गेन कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा मूव है गाइज, आप जो है इससे मतलब अपना जो है डबल वैनिश कर सकते हो एंड अपोनेंट पे जो है प्रायोरिटी गेन कर सकते हो, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करना गाइस, एंड दैट्स ऑल अबाउट डबल वैनिश, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट अप गाइस ड्रिफ्टिंग। सो ड्रिफ्टिंग में गाइस क्या करना होता है आपको, जस्ट आप जब डबल वैनिश करते हो या फिर आप की कैंसलिंग परफॉर्म करते हो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, तो उसमें क्या करना होता है गाइस, जैसे आप अपोनेंट के एकदम सामने आ जाते हो की कैंसलिंग या डबल वैनिश परफॉर्म करके, आपको उस टाइम पे जो है ड्रिफ्टिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सो ड्रिफ्टिंग में क्या करना होता है गाइस, जस्ट आपको नॉर्मल फ्लोट अराउंड करना होता है एंड अपोनेंट सोचता है कि हम साइड स्टेप कर रहे हैं एंड वो अटैक करने के लिए चले जाते हैं, एंड जैसे ही वो अटैक के लिए जाता है हम उस टाइम पे जो है साइड स्टेप कर देते हैं। सो एक तरह से फंसाने के लिए होता है अपोनेंट को, सो इसे हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। सो काफ़ी अच्छा मूव है गाइस, मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट आउट एंड ट्राई आउट इट पीवीपी मैचेस। तो गाइस नेक्स्ट अप इज सिंगल टैप। सो गाइस मैंने काफ़ी बंदों को देखा है डीबी लेजेंड्स में एंड वो जो है ना डबल टैप अटैक यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप जब भी टैप अटैक यूज़ करो आपको सिंगल टैप अटैक ही यूज़ करना है, यानी कि आपको एक ही बार जो है स्क्रीन पर टैप करना है, दो बार स्क्रीन पर टैप नहीं करना, ठीक है। तो सिंगल टैप में यार आपको फ़ायदा क्या रहता है, आप जो है ना एनिमेशन में स्टक नहीं रहते। लाइक आप डबल टैप अटैक यूज़ करोगे तो आप एनिमेशन में स्टक रह जाओगे एंड अपोनेंट जो है आपको ईजिली कैचअप कर लेगा, वाइल जो है आप सिंगल टैप यूज़ करोगे ना तो आप एनिमेशन में स्टक नहीं रहोगे, आप इंस्टेंटली जो है नेक्स्ट जो है मूव अपना परफॉर्म कर पाओगे। बट अगर आप डबल टैप अटैक यूज़ करोगे तो आप इंस्टेंटली डबल मतलब जो है नेक्स्ट मूव परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड जो है आपको अपोनेंट आपको उसी टाइम पकड़ लेगा। डबल टैप अटैक आपको तभी यूज़ करना है यार जब अपोनेंट की एचपी काफ़ी कम हो एंड आप उसको डबल टैप से पूरा ख़त्म कर पाओ, वरना आपको सिंगल टैप यूज़ करना है। सो सिंगल टैप हमेशा आप यूज़ करना, आप इंस्टेंटली जो है वैनिश भी कर पाओगे एंड नेक्स्ट जो है अपना मूव भी परफॉर्म कर पाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट सिंगल टैप, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। सो अबाउट बैक डैश गाइस, बैक डैश में क्या करना होता है, जब आप अपोनेंट का जो है फाइट पैटर्न जो है नोटिस करते हो एंड आप चीज़ देखते हो कि यार जब आप वैनिश कर रहे हो एंड अपोनेंट जो है टैप अटैक का काफ़ी यूज़ कर रहा है, तो आप यार उस टाइम पे जो है बैक डैश का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप वैनिश करोगे एंड अपोनेंट जैसी टैप अटैक से यूज़ करेगा बैक डैश कर जाओगे एंड वो टैप अटैक के एनिमेशन में स्टक रह जाएगा एंड जो है आप एडवांटेज ले लोगे। सो इसको हम बैक डैश कहते हैं एंड आपको हमेशा बैक डैश नहीं करना, ठीक है। आपको जब लगे कि यार अपोनेंट जो है काफ़ी टैप अटैक यूज़ कर रहा है तो आप बैक डैश का यूज़ कर सकते हो एंड वो एनिमेशन में जो है टैप अटैक्स की जो है स्टक रह जाएगा अपोनेंट एंड आप जो है एडवांटेज ले सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट गाइस बैक डैश। सो नेक्स्ट इज़ गाइस कैंसिल आउट येलो कार्ड विथ येलो कार्ड। सो इट मींस गाइस अगर आप पे कोई येलो कार्ड यूज़ करता है, ब्लास्ट कार्ड यूज़ करता है,
तो आपको ये नहीं यार हमेशा वैनिश ही करना है अगर आप पे कोई येलो कार्ड यूज़ कर रहा है। अगर आप पे कोई येलो कार्ड यूज़ कर रहा है गाइस, ब्लास्ट कार्ड यूज़ कर रहा है, तो आप उसे कोशिश करा करो ब्लास्ट कार्ड से ब्लास्ट कार्ड यूज़ करके कैंसिल आउट करने की। एंड आप इससे गाइस दो चीज़ें आप जो है एडवांटेज ले सकते हो, एक तो गाइस आपका वैनिश बचेगा एंड दूसरा गाइस आप जो है कैंसिल आउट करके की कैंसिल आउट करके जैसे मैंने आपको बताया था एडवांटेज ले सकते हो, प्रायोरिटी ले सकते हो अपने ओपोनेंट पे। सो कोशिश करा करो गाइस ब्लास्ट कार्ड से जो है ना ब्लास्ट कार्ड ही आपको कैंसिल करना है, ज़रूरी नहीं है वैनिश करना आपको हमेशा। एंड आफ्टर दैट गाइस आप जो है फॉरवर्ड जाके कैंसिल आउट करके जो है ओपोनेंट से एडवांटेज ले सकते हो। सो दैट्स अबाउट गाइस येलो कार्ड से जो आपको येलो कार्ड काटना होता है एंड वैनिश नहीं करना होता। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज गाइज अबाउट टैप बेट्स। एंड अगर आपको लग रहा है अगर आपका अपोनेंट जो है कुछ ज़्यादा ही साइड स्टेप करा जा रहा है बिन बात पे, एंड काफ़ी न्यू प्लेयर्स ऐसा करते भी हैं, उनको मैं मना करता हूँ कि फालतू में साइड स्टेप मत करते रहे करो, तो इस पे यार आप टैप बेट्स यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। आपको जस्ट अ सिंगल टैप करना है एंड अ सिंगल फायर बॉल निकलेगी आपके करेक्टर से, एंड वो जो है गाइज साइड स्टेप कर रहा होगा बार बार, तो उसका जो है वैनिश एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसके बाद गाइज जो आप एडवांटेज ले सकते हो। या तो आप गाइज उस टैप बेट करने के बाद इंस्टेंटली जो है स्ट्राइक कार्ड के लिए चले जाना, या तो आप वैनिश करके भी एडवांटेज ले सकते हो। तो टैप बेट्स काफ़ी अच्छा है गाइज, एंड ये चीज़ यार अपोनेंट आप पे भी कर सकता है, तो कम साइड स्टेप किया करो ठीक है। सो नेक्स्ट इज गाइज फॉरवर्ड डैश। एंड अगर आपको ओपोनेंट को सरप्राइज या फिर क्विक अटैक के लिए जाना है तो आपको यार फॉरवर्ड डैश काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इसमें क्या होता है गाइज, आपको शॉर्ट रेंज में रहना होता है, लॉन्ग रेंज में काम नहीं करेगा। लॉन्ग रेंज में टैप बेट काम करेगा ठीक है, शॉर्ट रेंज में आपको जो है फॉरवर्ड डैश काम करेगा। सो वही सिंगल जो आपको है स्क्रीन पर टैप करना है एंड आपका जो है करेक्टर फॉरवर्ड डैश करेगा। सो फॉरवर्ड डैश भाई काफ़ी सही है, आपको जो है अपोनेंट जो है इसमें आप प्रायोरिटी ले सकते हो। एंड अगर आपके अपोनेंट ने बाय चांस फॉरवर्ड डैश राइजिंग रश कर दी एंड आपका वैनिश गॉज भी एक्टिवेट हो सकता है लाइक दिस, एंड आप जस्ट जो है उसकी राइजिंग रश कैंसिल आउट कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा है गाइज, बट इसमें एक रिस्क है गाइज, अगर अपोनेंट ने यार आपके फॉरवर्ड डैश पे स्ट्राइक कार्ड यूज़ कर दिया, रेड कार्ड यूज़ कर दिया, तो एडवांटेज उसको मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। सो ये थोड़ा इसमें रिस्क रहता है ठीक है, एंड सेम आपके लिए भी रहेगा। आप पे अगर कोई शॉर्ट रेंज में फॉरवर्ड डैश कर रहा है तो आप रेड कार्ड यूज़ कर दोगे तो एडवांटेज आपको मिलेगा ना कि अपोनेंट को ठीक है। सो काफ़ी अच्छा मूव है गाइज, ट्राई आउट कर सकते हो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज़ गाइज ग्रीन कार्ड स्पैम। सो गाइज कुछ करेक्टर्स होते हैं लाइक अल्ट्रा बू, रेड जमासू, एल एफ वाला एंड जीटी के जो अभी डुअल यूनिट आई है गोकू एंड विजीटा, तो उनका ग्रीन कार्ड कुछ ऐसा होता है गाइज जो आपको लॉकआउट कर देता है शॉर्ट रेंज में। लाइक वो ग्रीन कार्ड यूज़ करेंगे एंड कुछ एनिमेशन होगी एंड आप जस्ट बैकवर्ड पुश हो जाओगे एंड वो जो है अपोनेंट आप पे जो है प्रायोरिटी ले लेगा। सो इस चीज़ में गाइज आपको डिटेक्ट करना होता है, लाइक अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि शॉर्ट रेंज में करेक्टर वो वाला करेक्टर जो है अपोनेंट ग्रीन कार्ड स्पैम करने वाला है, लाइक आप देख सकते हो वीडियो में अल्ट्रा बुक जो है ग्रीन कार्ड स्पैम कर रहा था मेरे पे प्रायोरिटी लेने के लिए, तो मैं उससे कुछ एक कपल ऑफ सेकंड मैं पहले से ही जो है बैक डैश कर लेता हूँ। सो इससे गाइज मैं बच जाता हूँ एंड फिर मैं अपना जो है कार्ड जो है स्टार्ट कर देता हूँ उस पर यूज़ करना। सो अगर आप कपल ऑफ सेकंड गाइज अगर आप पीछे हो जाओगे बैक डैश कर लोगे सो गाइज वो एनिमेशन में लॉक हो जाएगा एंड फिर आप जो है ईजिली उस पर प्रायोरिटी ले सकते हो। सो ये कुछ काफ़ी अच्छा वे है गाइज, अगर आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो कि अपोनेंट ग्रीन कार्ड स्पैम करने वाला है, लॉकआउट करने वाला है, तो आप बैक डैश करके जो है अपोनेंट पे प्रायोरिटी ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज गाइज ब्लू कार्ड टाइमिंग। सो ब्लू कार्ड टाइमिंग मतलब टाइमिंग तो यार इस गेम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको भाई लिटरली प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट मूव अपोनेंट का क्या होने वाला है एंड पेशेंस से खेलना पड़ता है हाई लीग के मैचेस में ठीक है। सो ऐसे ही यार ब्लू कार्ड के टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक यार देखो ब्लू कार्ड दो टाइप होते हैं ब्लू कार्ड के, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है गाइज जिसकी एनिमेशन स्ट्राइक टाइप होती है एंड दूसरा होता है ब्लू कार्ड जिसकी एनिमेशन ब्लास्ट टाइप होती है। सो विजीटो की आप देखोगे गाइज ब्लास्ट टाइप एनिमेशन है ब्लू टाइप की एंड ये लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छा होने वाला है, लाइक अगर आप पे कोई येलो कार्ड यूज़ करता है ना अगर आपने सही टाइम पे ब्लू कार्ड यूज़ कर दिया तो एडवांटेज आपको मिलेगा एंड आप देख सकते हो अपोनेंट को आप कितना सारा जो है डैमेज दे सकते हो अपने ब्लू कार्ड से ठीक है। बट ये गाइज आप शॉर्ट रेंज में नहीं यूज़ कर सकते, शॉर्ट रेंज में जो है आपके स्ट्राइक बेस्ड एनिमेशन जिनकी होती है करेक्टर्स की लाइक एल एफ वुहान, सो स्ट्राइक बेस्ड उसकी एनिमेशन है एंड उसके पास जो है ब्लास्ट आर्मर है, सो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट रेंज में अगर आपने सही टाइमिंग पे जो है ब्लू कार्ड यूज़ किया। बट लॉन्ग रेंज में गाइज आप देख सकते हो ब्लास्ट टाइप जिसकी एनिमेशन होती है लाइक विजीटो एंड सम अदर करेक्टर्स, आप जो है काफ़ी अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइज ब्लू कार्ड टाइमिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
सो नेक्स्ट इज गाइज ब्लास्ट आर्मर कैंसिल। सो ब्लास्ट आर्मर कैंसिल काफ़ी अच्छा मूव है अगर आपके करेक्टर के पास ब्लास्ट आर्मर है। तो इसमें करना क्या होता है गाइज, आपको लॉन्ग रेंज में रहना होता है एंड अगर आपका अपोनेंट जो है आप पे ब्लास्ट कार्ड यूज़ करता है, आपको सिंपली रेड कार्ड जो है प्रेस करना है एंड रेड कार्ड प्रेस करते गाइज आपको साइड स्टेप परफॉर्म करना है, ठीक है। सो उसके बाद आप उसको अपोनेंट पे जो एडवांटेज गेन कर सकते हो। सो जैसे आप साइड स्टेप करोगे गाइज, जो है अपोनेंट या तो दोबारा से येलो कार्ड यूज़ कर देगा या तो गाइज वो घबरा के साइड स्टेप परफॉर्म कर देगा एंड येलो कार्ड परफॉर्म कर दिया तो आपको अगेन जो है रेड कार्ड यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट गाइज अगर वो साइड स्टेप परफॉर्म करता है तो आपको सही टाइमिंग पे रेड कार्ड यूज़ करना पड़ेगा टू गेन एडवांटेज। थोड़ा ये टफ मूव है बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो यार सब समझ आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो गाइज नेक्स्ट इज साइड स्टेप टैकल। सो गाइज जब भी आप क्लोज रेंज में होते हो या फिर जब भी आप वैनिश करके करेक्टर के क्लोज रेंज में आते हो तो आप गाइज यार आप देखते हो अपोनेंट काफ़ी टाइम जो है साइड स्टेप करने की मतलब कोशिश करता है, ठीक है। एंड अगर आप गाइज उसे साइड स्टेप पे सही टाइम पे पकड़ लोगे तो आप उस पर ईजिली एडवांटेज जो है गेन कर सकते हो। सो साइड स्टेप पे सही टाइम पे पकड़ने का मेरा मतलब आप देख सकते हो, जैसे अल्ट्रा बू साइड स्टेप करता है मैं उसको मिड एनिमेशन में पकड़ लेता हूँ, मैं उसका साइड स्टेप पूरा कंप्लीट नहीं होने देता। सो आपको भी ऐसे गाइज मिड टाइम पे जल्दी से आपको मतलब एक करेक्ट टाइमिंग पे जो आपको अपना जो है कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे वो स्वाइप करे आपको उसको मिड एनिमेशन पे जल्दी से पकड़ लेना है, ठीक है, स्ट्राइक कार्ड दबा के। एंड अगर गाइज अल्ट्रा बू ने जो है अपना साइड स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया एंड देन मैंने अपना कार्ड प्रेस किया तो यार वो वैनिश हो जाएगा एंड वो अपोनेंट जो है आप पे इजली एडवांटेज ले लेगा। लाइक आप इस वाली क्लिप में देख सकते हो गाइज, जो है मैंने गोकू से जो है वैनिश किया था एंड आफ्टर डैट गाइज मैं विजिटा को जो है साइड स्टेप पे पकड़ने के लिए गया था बट उसने साइड स्टेप कंप्लीट कर लिया था एंड मैं थोड़ा लेट हो गया था टाइमिंग में कार्ड प्रेस करने में एंड वो इजीली वैनिश होकर मेरे पे फिर एडवांटेज ले लेता है। सो टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको मिड एनिमेशन में जो है साइड स्टेप पे पकड़ना पड़ेगा तभी आप एडवांटेज ले पाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट गाइज साइड स्टेप टैकल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, जब भी न्यू करेक्टर है गेम में रिलीज होता है ना तो आप उसकी यार एक बार किट जरूर पढ़ा करो, ठीक है, कि क्या उसकी एबिलिटी है, क्या वो नलीफाई करता है, क्या मतलब जो है रिकवरी रेट है, मतलब कब उसकी कार्ड ड्रॉ स्पीड इंक्रीज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बिकॉज यार यही जो न्यू करेक्टर होते हैं ना आपको पीवीपी मैचेस में अधिकतर फेस करने पड़ते हैं, जब भी आप पीवीपी में पुश कर रहे हो अपनी रैंक वगैरह इंक्रीज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट यार पी टू पी प्लेयर आपको पता ही है कितने मिलते हैं पीवीपी मैचेस में, तो यार वो जो है इन जो करेक्टर्स न्यू करेक्टर्स जो होते हैं बूस्टेड यूनिट होते हैं पीवीपी में, ठीक है, तो वो हमेशा जो है न्यू करेक्टर आपको लेके आएंगे पीवीपी में मैचेस के लिए। तो अगर आपको यार इनकी किट वगैरह के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि कब ये मतलब क्या परफॉर्म करते हैं, क्या इनकी एबिलिटी है, यूनिक एबिलिटी, तो यार ये आपको एक एडवांटेज टाइप देगी, ठीक है। सो हमेशा रीड आउट किया करो, मैं सारे करेक्टर्स की किट पढ़ने को नहीं कह रहा, जो भी न्यू करेक्टर रिलीज़ होते हैं जब भी आप पीवीपी पुश कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जो भी करेक्टर रिलीज़ किया होता है तो आप उसकी जो है एक बार जो है किट एक बार ज़रूर रीड आउट किया करो। सो काफ़ी जो है मतलब इससे आपको नॉलेज मिलेगी करेक्टर के बारे में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस गाइज, दैट वर्ड्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने भी मूव मैं यूज़ करता हूँ मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कवर कर दिए हैं। बाकी कई जितने भी आप गेम खेलते रहोगे उतना आपको यार पीवीपी का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, बिकॉज यू नो एवरी प्रो वंस अनूप। सो यार जितना आप इस गेम को डे बाय डे खेलते रहोगे उतनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहेंगी, बस एक अच्छी टीम बनाना है एंड इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना। एंड गाइज लास्टली इस गाइड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है एंड होप करते हैं यार इस गाइड से आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ गाइज गाइड अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है गाइज इससे और डीबी लेजेंड्स वीडियो बनाने का, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करना ताकि यार वो भी अपनी पीवीपी की स्किल्स इंप्रूव कर पाएँ और गोडली प्लेयर बन पाएँ। सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज कैसी लगी गाइड। हैव अ गुड डे। I'll protect everything and everyone.